जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को घर में नजरबंद कर दिया गया है। एनआरसी और महिला हिंसा के खिलाफ पप्पू यादव के प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पटना में पप्पू यादव के घर पहुंचकर पुलिस ने पहले उनको 107 का ऑर्डर दिखाया और फिर घर से बाहर निकलने से मना किया। पप्पू यादव के पटना स्थित घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगा दिया गया है। मौके पर कोतवाली थाना अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हैं। मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में पप्पू यादव को नोटिस थमाया है। इस मामले में पप्पू यादव ने कहा है कि हमें 107 का नोटिस दिया गया है और बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब बाहर निकलने के लिए भी हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। पप्पू यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझसे कैसा खतरा है। फिलहाल पटना में पप्पू के घर के आगे गोरखा पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में मीडिया से कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ने अपने नजरबंद होने की जानकारी फेसबुक पेज के माध्यम से दी है। फेसबुक पेज पर लिखा है, पूर्व सांसद सह जाप अध्यक्ष पप्पू यादव जी को उनके पटना आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। सरकार ने एनआरसी मामले में जारी एडवाइजरी के तहत नोटिस भेजकर कहा है कि वे आज दिन भर घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनके आवास के बाहर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ 3 थाना प्रभारी समेत फोर्स की बड़ी संख्या तैनात कर दी गई है।